व्यवस्था विवरण अध्याय 32 कुल पद 52। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां। मैं तो यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवा ने इसराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चहुं ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाख रस का मधु पिया करता था। परंतु यशुरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और रिष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाए, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझमें जलन उत्पन्न की, और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा, और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा। क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी, और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी, और पहाड़ों की नेवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा, और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा
और धूलि पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से। क्या कुंवारे और क्या कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा। परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा न हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर ये कहने लगे कि हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में ना कर देता, तो यह क्यों कर हो सकता कि उनके हजार का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को दो मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हों। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वह कहेगा उनके देवता कहाँ है, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाख मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हों। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूं। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं। और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूं, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। सो यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों का बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुओं और बंधुओं का और वह मांस शत्रुओं के प्रधानों के शीश का होगा। हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों का बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन इसराइलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूं, उन सब पर अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूं उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोग तेरा भाई हारून
होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इसराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इसराइलियों को देता हूं तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने ना पाएगा।